सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजातरीन खबरें। वर्ष भी नवी मुंबई मनपा द्वारा डॉक्टर डीवाई पाटिल विद्यापीठ स्कूल ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म स्टडीज के सहयोग से विश्व महिला दिन के उपलक्ष में खास महिलाओं के लिए घे भरारी शीर्षक के साथ रन फॉर कैंसर इस ब्रीदवाक्य के साथ मैराथन का आयोजन किया गया था। अपना एक सामाजिक दायित्व निभाते हुए मैराथन के माध्यम से जमा हुआ निधि कैंसर सोसाइटी ऑफ इंडिया को देने का निर्णय लिया गया, जहां इस मैराथन में सहभागी हुए महिलाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए स्थायी समिति सभापति शुभांगी पाटिल, महिला एवं बाल कल्याण समिति सभापति शिल्पा कामली, नगर सेविका शशिकला पाटिल, पालिका के अतिरिक्त आयुक्त अंकुश चौहान, पालिका के समाज विकास विभाग की उपायुक्त तृप्ति सांडभोर, डीवाई पाटिल स्कूल ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म की डायरेक्टर वंदना मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर पल्लवी चौधरी आदि बड़ी संख्या में उपस्थित थे, जिसमें 1500 से अधिक महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। डॉक्टर डीवाई पाटिल स्टेडियम से नेरुल रेलवे स्टेशन तक और वहां से वापस स्टेडियम तक ऐसा कुल 5 किलोमीटर तक का मैराथन का स्वरूप था। इस मैराथन की शुरुआत स्थायी समिति सभापति शुभांगी पाटिल और उपायुक्त तृप्ति सांडभोर द्वारा झंडी दिखाकर की गयी। इस मैराथन में ऐश्वर्या मिश्रा ने प्रथम क्रमांक हासिल किया, जिन्हें 10,000 रुपए का धनादेश एवं पदक देकर सम्मानित किया गया। तो वही द्वितीय क्रमांक प्राप्त करने वाली माधुरी देशमुख को 7,000 रुपयों का धनादेश एवं पदक देकर सम्मानित किया गया। तो वही तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली शालिनी वाघे को 5,000 रुपयों का धनादेश एवं पदक देकर सम्मानित किया गया। इस मैराथन की और एक खासियत ये रही कि इसमें एक कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रही महिला ने भी एक दौड़ लगाकर उन महिलाओं को प्रोत्साहित किया जो कैंसर जैसी बीमारी का सामना कर रही है। एक कैंसर लेडीज ने पण याच्यामध्ये पार्टिसिपेट झालेली आहे, ती चालू शकत नाही तरी पण एक 10 पावलं चालून तिनं एक जीवन सार्थक झालेलाचं समाधान आपल्याला वाटतंय असं त्यांनी फीडबॅक मध्ये दिलेला आहे। इस महिला की प्रबल इच्छा शक्ति को देख यहाँ पर उपस्थित हर एक महिला को प्रोत्साहन मिला। तेव्हा मला कळलं महिला दिनानिमित्त आयोजित महिला मैराथन स्पर्धा आणि त्यामध्ये मिळणारा निधी जो कैंसर सोसायटी ऑफ इंडियाला जाणार आहे, त्यामुळे म्हटलं मी कैंसर सर्वे पेशंट असल्याने माझी तिथे उपस्थिती फार आवश्यक आहे, कारण माझ्या भगिनींशी मला 2 शब्द कैंसर विषयी बोलता येतील। मी माझ्या भगिनींसाठी येतपर्यंत आले, म्हटलं त्यांच्यासोबत 100 पावलं जरी चालले तरी माझं हे जगणं महत्त्वाचं होईल म्हणून मी येतपर्यंत आले। नाही मला डीवाई पाटीलने तितकंच सहकार्य केलं आयोजकांनी, त्यामुळे मी त्यांचे खूप खूप आभारी आहे। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का सामना करने वाली इस महिला की प्रबल इच्छा शक्ति को देख स्थायी समिति सभापति शुभांगी पाटिल ने कहा कि इस महिला का ये जज्बा समाज में एक मिसाल की तरह है। आज या मैराथन च्या निमित्ताने एक तुम्हाला सांगू इच्छिते कि जर एखाद्या महिलेने एक जिद्द बाळगली तर काही करू शकते। आज या मैराथन मध्ये एक कैंसर पेशंट आहेत मैडम शैलेजा म्हणून, यांना एक खरोखरच म्हणजे एक आत्मविश्वास असला आणि जिद्द असली तर माणूस काही करतो, यांनी तर कॅन्सरवर म्हणजे मात केलीच आहे, त्याबरोबर त्यांची जिद्दही होती की आज माझ्या ह्या महिला ज्या धावणार आहेत इथे त्यांच्याबरोबर 10 पावलं जरी मी चालली तरी मी एक जीवनाचं सार्थक होईल असं म्हणजे त्यांचं हे वक्तव्य ऐकून खरोखरच आम्हालाही आणि इतर महिलांनाही ह्यांच्यासारख्या महिलांचं एक म्हणजे एक उदाहरण मिळेल आणि प्रेरणा मिळेल आणि मला वाटतं नक्कीच ह्याच्यातनं महिला सगळ्या बोध घेतील यांच्याकडे बघून। इस मैराथन के विषय में डीवाई पाटिल स्कूल ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म की डायरेक्टर वंदना मिश्रा ने कहा कि मैराथन के माध्यम से कैंसर पीड़ितों को मदद करने का एक प्रयास किया गया है।
We wanted to do something for the women, and on occasion of Women's Day, International Women's Day, we organized this. This is the second time that we are organizing this, and it's a wonderful response that we've got from the ladies. And whatever we participation, we are going to give it to the Cancer Society of India, and it's a great initiative. This is my old one of part of my team that has been behind this cause, and we feel it's a wonderful cause for which we are working. तो वही असिस्टेंट प्रोफेसर पल्लवी चौधरी ने कहा कि जिस उद्देश्य के साथ इस मैराथन का आयोजन किया गया था वो पूरा करने में निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे वी ऑल वांट टू सेलिब्रेट बीइंग अ वुमन, इट इज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर वुमेन एंड इन टुडेज सेंचुरी वुमेन आर गोइंग अहेड एंड वॉकिंग इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ एंड बीट अ हाउसवाइफ, बीट अ टीचर, बीट अ डॉक्टर और बीट अ वुमेन इन द स्पेस, वी आर एवरीवेयर. सो टू सेलिब्रेट द स्पिरिट ऑफ वुमेन वी ऑर्गेनाइज दिस वुमेन्स मैराथन एवरी ईयर ऑन वुमेन्स डे. DY Patil School of Hospitality and Tourism Studies organizes this every year. This is our second year, and the response has been very good last year, equally today this year, and we will continue this for every year to celebrate womanhood. तो वही इस मैराथन में तीसरे स्थान पर विजयी रही शालिनी वाघ ने कहा कि इस मैराथन में हिस्सा लेने से उनका मनोबल बढ़ा है. महिला दिनानिमित्त ही मैराथन ठेवलेली होती, त्यामध्ये माझा थर्ड प्लेस आला है. मला पहिला खूप भीती वाटली होती की म्हणजे माझा नंबर येईल की नाही. खूप मोठ्या मुली होत्या, तरी मी जिद्दीने पळाले आणि थर्ड प्लेस काढला. इस मैराथन में सहभागी हुई महिलाओं ने कहा कि इस मैराथन का नियोजनबद्ध तरीके से आयोजन किया गया था और मैराथन में सहभागी होकर उन्हें एक अलग ही खुशी मिली है. इट वॉज अ ग्रेट वुमेन्स डे एक्सपीरियंस मिंगलिंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेडीज. आई एम अ लॉयर, शी इज अ टीचर, मीटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुमेन फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स. सो इट वॉज अ नाइस वुमेन्स डे एक्सपीरियंस. द वॉक वॉज ग्रेट, इट वॉज ऑर्गेनाइज वेरी नाइसली, वेरी नाइस, द रोड्स वर क्लीन. सो इट वॉज अ ग्रेट वुमेन्स डे एक्सपीरियंस. वी वर रियली वेरी हैप्पी टू जॉइन दिस रेस. And we really enjoyed it. The spirit of all the people we saw, it was really very high. Very, everybody was very enthusiastic. Really enjoyed it. Our journey was very good. Bureau report, NMTV News.